आज बनाएंगे हम एलमोंड ब्लैक रेजन कुकीज़, जो कि प्योर एगलेस बनाएंगे और बटर में बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, कितना आसान है रेसिपी देखकर आप समझ जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है मैदा, 1 कप मैदा है। आप चाहो तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हो। मैदा में हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 टीस्पून। इन तीनों को एक साथ छान लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो भी देख सकते हैं आप, मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा ग्रोसरी शॉप पर। 1/4 कप भर के हमने डाल दिया है। साथ में मैं डाल रहा हूँ ये ब्लैक रेजन, जो कि मैंने चॉप कर रखी है, छोटे टुकड़ों में कट की हुई है। ब्लैक रेजन डाल दी, तरबूज के बीज डाल दिए हमने साथ में 1 टेबल स्पून, और सेसमी सीड सफ़ेद वाले तिल 1 टेबल स्पून डाल दिए हैं। कटे हुए बादाम हमने डाल दिए हैं, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, और इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे। तो पहले ये वाला जो बाउल है, सारे मिक्स कर लिए, इस बाउल को अब हम साइड में कर देंगे। दूसरा बाउल लिया है जिसमें मैं डालूंगा ये बटर, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, ये सॉल्टेड है मेरे पास। और ये हम लेंगे लगभग 60 ग्राम, सॉफ्ट बटर होना चाहिए, फ्रिज से कुछ देर पहले बाहर निकाला हुआ। साथ में हम डाल रहे हैं इसमें पाउडर शुगर 1/2 कप, लगभग 60 ग्राम है, और बटर की जगह आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को विप कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ स्पैचुला से, फिर हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से विप करेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि एकदम सॉफ्ट क्रीमी ना हो जाए और इसका जो कलर है वो लाइट ना हो जाए। ये जो बटर है ना, इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं काफ़ी देर तक। इससे क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, आप हल्का कलर हो गया है, लाइट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अभी वनीला एसेंस मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप ज़रूर डालिए। साथ में हम डालेंगे इसमें मिल्क 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने मिल्क डाल दिया। अब फिर से हम इसे फेंटेंगे। अब कोई भी कुकीज़ बना रहे हैं तो आपको ऐसे ही बटर को सॉफ्ट करना है। तो अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और एक डो जैसा बन जाएगा ये। आवश्यकता पड़े तो आप ऊपर से भी मिल्क डाल सकते हो अगर आपको लगे कि आपका डो टाइट है, लेकिन मैंने जो मेजरमेंट बताया वो एकदम परफेक्ट बताया है। तो अब देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है और एक बार हम बीटर चला देते हैं ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ आ जाएँ और हम अच्छे से डो बना पाएँ। और कुछ सेकेंड बस चलाना है बीटर आपको। अब देखिए, मैं हाथ से इसे मिक्स कर रहा हूँ तो एक डो जैसा बन जाएगा। ये कुकीज़ डो हमारा तैयार है कुकीज़ बनाने के लिए। इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद मैं इसे फ्रीज से निकाल रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास मेजरिंग स्पून होते हैं ना, उसमें 1 टेबल स्पून जो होता है वो मैंने लिया है, और इस तरीके से इसमें भरेंगे ताकि हमारे जो कुकीज़ हैं वो एक शेप के एक जैसे बने। इसमें से निकाल लेंगे और हथेली के बीच में रखकर गोल गोल करेंगे, और गोल गोल करने के बाद बॉल जैसा बन जाएगा और हल्का सा प्रेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करना है। और इस तरीके से प्रेस करने के बाद कुकीज़ ट्रे में रख देंगे। सारे के सारे हम ऐसे ही बना लेंगे और कुकीज़ ट्रे में रखेंगे। कुकीज़ ट्रे में मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं, सबके बीच में स्पेस दिया है ताकि वो फैलें तो चिपके ना। और ये मैंने काली किशमिश, बादाम, तिल सबको मिक्स कर लिया, और ये अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाले थे वही सब डाल रहे हैं। बस इसमें मैदा नहीं है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बाकी सब कुछ है जो हमने अभी तैयार किए थे। अब देखिए, यहाँ मैंने 130 डिग्री सेल्सियस पे पहले ही प्रीहीट कर लिया था ओवन, और इसमें आप इसे रख देंगे अपनी ट्रे को। लगभग 20 मिनट में हमारे जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बेक हो जाएंगे। 15-16 मिनट के बाद ही आप चेक करना स्टार्ट कर दीजिए कि कुकीज़ बेक हुए हैं कि नहीं। तो फिलहाल 130 डिग्री सेल्सियस में मैं इसे 20 मिनट के लिए बेक करूँगा, और आप 140-150 पर भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो कुकीज़ को बेक होने देते हैं। आप कढ़ाई, कुकर या किसी भारी तले के बर्तन में भी इन्हें बेक कर सकते हैं। गैस पर रख दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए बर्तन में, और अपने कुकीज़ बेक कर लीजिए। तो ऐसे ही हम सारे कुकीज़ कर लेंगे। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया चॉपिंग बोर्ड पर, और अपना जो डो है उसे हम फैलाएंगे, और उससे एक साइज़ की हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो पहले फैला लिया मैंने, अब मैं इससे एक साइज़ की लोइयाँ कट कर रहा हूँ, और फिर हम इन्हें मिल्क में डिप करेंगे। तब फिर हम इसके ऊपर वही लगाएंगे जो जैसे किशमिश है जो हमने कट करके रखे हुए हैं, तैयार करके रखे हुए हैं। तो पहले इनको गोल गोल कर लेते हैं, और ये देखिए सबको मैंने गोल गोल कर लिया है। अब 2 डाले हैं मैंने मिल्क में, और इन्हें निकाल लेंगे।
जैसे मैंने टेबल स्पून, टी स्पून जो भी आपके पास है स्पून है उससे निकालिए और इसे डिप कीजिए। डिप करने के बाद, निकालने के बाद ये हमने ऊपर से डाल दिया किशमिश, नारियल का बुरादा। अब मैं इससे क्या होगा कि एक साथ चिपक जाएंगे और जब हमारे कुकीज़ बेक होंगे तो इवनली सारे के सारे जो किशमिश है, बादाम है, वो सब इसके ऊपर आ जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं बाहर। तो ये तरीका है एक तो, और एक तरीका पहले मैंने बता दिया आपको, बनाने के बाद ऊपर से भी डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, कुकीज़ ट्रे में रख देते हैं, ऐसे ही हम सारे के सारे बना लेंगे और इन्हें बेक कर लेंगे 130, 140, 150 टेम्परेचर पे, लगभग 20-22 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए सेकंड बैच भी हमारा तैयार है, और निकालने के बाद इनको ऐसे ही कुकीज ट्रे में आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद तब आप इनमें से निकालोगे इसे, अभी ये ठंडे हो रहे हैं आप देख सकते हैं, और अब देखिए आराम से कुकीज निकल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट बैच है जो हमने ऊपर से डाले थे ना, तिल, किशमिश, बादाम जो ऊपर से लगाए थे, बस इसमें ये है कि थोड़ा सा निकलने का डर रहता है। तो कुकीज़ हमारे तैयार हैं, आप इन्हें बनाइए और कमेंट के ज़रिए आप सवाल पूछ सकते हैं अपने।